हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी प्रिपरेशन बिकम स्मार्ट सक्सेसफुल चैंपियन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ प्रोबेबिलिटी, ऑल इंपॉर्टेंट टर्म्स, फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मीन्स द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। मेरे पास है एक कॉइन, अगर हम इसको टॉस करें तो हमारे पास क्या आएगा? क्या हेड आएगा या फिर क्या टेल आएगा? तो इसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी, मीनिंग द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ हेड या फिर चांस ऑफ अकरेंस ऑफ टेल। 50% चांसेस हैं कि हेड आ जाए, 50% चांसेस हैं कि टेल आ जाए। अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे? तो टोटल दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। इसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी? सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। कौन कौन सी? या तो हमारे पास हेड आ सकता है, ओके, या तो हमारे पास टेल आ सकता है। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड? तो टोटल आउटकम्स हमारे पास दो हैं, हेड और टेल। और क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड पूछ रहा है तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? एक ही होगी, सिर्फ हेड। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2, मीनिंग 50% चांसेस ऑफ गेटिंग हेड। फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल? तो टोटल आउटकम्स दो, हेड और टेल। और फेवरेबल आउटकम्स कितनी? सिर्फ एक। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2, मीनिंग 50% चांसेस ऑफ गेटिंग ए टेल। अगर हम दो कॉइन्स को टॉस करें तब हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास सैंपल स्पेस में चार पॉसिबल आउटकम्स होंगी। या तो हमारे पास हेड आ जाएगा, हेड आ जाएगा, या तो हमारे पास टेल आ जाएगा, दोनों ही टेल आ जाएंगे, टेल आ जाएगा, या हमारे पास हेड टेल आ जाएगा, या हमारे पास टेल हेड आ जाएगा। अगर हम दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करें, एक को टॉस करें देखते हैं क्या आया, दूसरे को टॉस करें देखते हैं क्या आया। जैसे अभी हेड आया, तो अगर हम टू कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करें तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई? ये हो गई टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स तो हमारे पास आ गई चार। अब आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, दो हेड्स की वो बात कर रहा है। तो टोटल आउटकम्स कितनी है? प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल आउटकम्स। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4। फेवरेबल आउटकम्स की दोनों हेड्स ही आए तो सिर्फ 1 ही है ये चांस, जब हमारे पास हेड आ रहा है इस सैंपल स्पेस में, तो 1/4। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स? दोनों टेल्स ही आए तो टोटल आउटकम्स कितनी है हमारे पास? 1, 2, 3, 4। और टेल कितनी बार आए? टेल और टेल, दोनों बारी में टेल आए, तो वो भी 1/4। अगर हम तीन कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करें तब हमारे पास सैम्पल स्पेस में क्या बनेगा? अगर हम तीन कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी? टोटल आउटकम्स विल बी 8। आउटकम्स क्या होंगी? हो सकता है तीनों बारी में हेड आ जाए, दो बारी में हेड, एक बारी में टेल। इसी तरह से पहले टेल आए, दूसरे कॉइन में हेड आए, तीसरे कॉइन में टेल आए, तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं ये होंगी आपकी 8। अब क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द 3 हेड्स? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द 3 हेड्स, हम देखते हैं कि कहाँ हमेशा तीनों ही हेड आ रहे हैं। तो सैम्पल स्पेस में देखें, सिर्फ एक जगह जब तीनों हेड्स आएंगे तो फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गया। टोटल आउटकम्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। टोटल आउटकम्स कितनी है? 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, इट विल बी 1/8। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द सेम रिजल्ट्स, कि जो तीनों बार हमने जो हमारे पास कॉइन है उसको टॉस किए तो रिजल्ट्स सेम आए, तो टोटल आउटकम्स तो हमारे पास ये 8 लिखी पड़ी है। टोटल आउटकम्स 8, फेवरेबल आउटकम सेम रिजल्ट आए, मतलब हेड और हेड भी आएगा, ये भी सेम रिजल्ट ही है, या फिर टेल और टेल, ये भी क्या है? टेल और
टेल, ये भी क्या है, सेम ही रिजल्ट है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई, 2 हो गई, 2/8। जब सारी वारी में या तो हेड आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहे हैं ऑल द थ्री हेड्स, सेम रिजल्ट आ रहे हैं ऑल द थ्री टेल्स, तो प्रोबेबिलिटी विल बी गेटिंग ऑल द सेम रिजल्ट्स, इट विल बी 2/8। एंड फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो आपने देखा कि डाइस में टोटल आउटकम्स होती हैं 6, तो अगर हम डाइस को थ्रो करें तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी होगी, या 1 नंबर आएगा, या 2, 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवन नंबर, हम पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवन नंबर। इवन टोटल आउटकम्स कितनी है हमारे पास, 6 हैं। इवन नंबर्स कौन कौन से आ सकते हैं, या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारी कितनी हो गई, ये हो गई 3। तो 3.6 इट इज़ 1.2। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ए सिंगल डाइस इज थ्रोन। ऑड नंबर कौन कौन से हमारे पास, तो फेवरेबल आउटकम्स 1 भी हो सकता है, 3 भी, 5 भी। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई, 1, 3, और 5। और टोटल आउटकम्स कितनी हैं, टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल आउटकम्स, तो ये भी हो गई 3/6, मतलब 1/2। हमारे पास है एक बॉक्स, इस बॉक्स में वाइट मार्बल्स प्रेजेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स प्रेजेंट इज 8। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स प्रेजेंट इज 3 or 2, 5। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स प्रेजेंट है 1, 2, 3, 4, 4। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड मार्बल, तो प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल आउटकम्स। टोटल कितना है हमारे पास, अगर आप टोटल आउटकम्स की बात करो तो 8+5+4, तो टोटल आउटकम्स तो हमारे पास हो गई 17। ये टोटल आउटकम्स हैं और ये 17 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी हमारे पास, रेड मार्बल्स कितने हैं, 5। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 17 और फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास रेड मार्बल पूछिए तो 5/17। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वाइट मार्बल, वाइट मार्बल, तो टोटल आउटकम्स कितनी है, टोटल तो हमारे पास 17 मार्बल्स हैं। अब नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स कितने हैं, इट इज़ 8 मार्बल्स, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट मार्बल्स कितनी होगी, 8/17। अगर हम कार्ड्स के पैक की बात करें तो इसमें 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स होते हैं, क्लब, हार्ट, स्पेड और डायमंड। 13 कार्ड्स क्लब के, 13 कार्ड्स स्पेड के, 13 कार्ड डायमंड के और 13 कार्ड्स हार्ट के, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग, एक किंग की बात हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितनी है, टोटल आउटकम्स 52, क्योंकि टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 हैं। और फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, हमसे किंग्स पूछी हैं, तो एक जो हमारे पास पैक ऑफ कार्ड्स है उसमें किंग्स कितने होते हैं, उसमें हमारे पास कितनी किंग्स होते हैं, 4 किंग्स होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग कितनी होगी, 4/52। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कलर्ड कार्ड, रेड कलर्ड कार्ड, तो आपको पता है कि टोटल कार्ड्स 52, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, सॉरी नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स विल बी 52। अब रेड कलर्ड कार्ड की बात हो रही है तो हमारे पास रेड कलर्ड कार्ड कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे 26, तो 26/52 इट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कलर्ड कार्ड्स। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें और क्लास 10th के अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल SSC प्रेपरेशन को विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।